हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आपको अपने एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, स्पेशली ये क्लास 11th के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आप जेई मेंस और आप अगर नीट की तैयारी करते हैं और कम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे जेल प्रहरी हो गया, SSC वगैरह, इसमें क्या होता है कि आपका साइंस पार्ट जो होता है, आजकल व्यापम बहुत ज़्यादा साइंस पूछता है, तो ये आपके लिए भी यूजफुल होगा। क्योंकि जो क्लास 11th की फिजिक्स होती है और क्लास 12th की फिजिक्स होती है, ये फिजिक्स का बेस होता है, इसी में पूरी फिजिक्स ज़्यादातर बता दी जाती है। बाकी ग्रेजुएशन में तो आपका हाई लेवल का होता ही है, लेकिन ये आपका बेस होता है 11th 12th। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यही आपसे पेपर में पूछा जाता है, कम्पिटेटिव लेवल हो या आपका ये आपका क्लास 11th के सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कि आप बच्चों को इतना ज़्यादा डर बना होता है, क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट या फिर कम्पिटेटिव लेवल कोई भी बच्चा हो, तो उनको फिजिक्स में इतना ज़्यादा डर बना होता है कि किसी कदर से हम क्लास 12th में 11th में पासिंग मार्क पा जाएँ, जिससे घर में कि हमें डांट ना पड़े मम्मी या पापा से, किसी से डांट ना पड़ने पाए। ज़्यादातर बच्चों के मन में यही भय होता है। तो मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ कि यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा और जीरो टू एडवांस लेवल से, जीरो से लेकर एकदम बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा, कि आपको जो डाउट्स होगा वो मिनिमम होगा, 1% चांसेस होगा कि आपको डाउट्स बन सके। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे और डेली कंटिन्यू अगर वीडियो आप देखेंगे, देखते रहेंगे सभी पार्ट्स के देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं होगा। अगर यदि डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डिस्कस की का यूज करके आप वहाँ से हमसे SMS के जरिए आप पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वहाँ से पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स, इसमें जो हम लोग बिल्कुल आज चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 आपका जो है बिल्कुल भौतिक जगत जो होता है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल भौतिक के पूरे वर्ल्ड बताएगा, फिजिकल वर्ल्ड बताएगा कि फिजिक्स आया कहाँ से है। फिजिक्स हमारा साइंस का पार्ट है, तो कौन किस टाइप्स का साइंस का ये टाइप्स हमारा पार्ट है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे फिजिक्स के जनक कौन होते हैं, पहले कौन थे, अब कौन है जनक, इसके फिजिक्स के पार्ट कितने होते हैं, ये टोटली हम लोग देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो डर बना रहता है फिजिक्स का लेकर के, वो बिल्कुल आपको खत्म कर देना, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आए देखते हैं हम वहां पे फिजिक्स से, वहां पे देखेंगे भौतिक जगत पूरा डिटेल देखेंगे, भौतिक यानी साइंस कहां से आया, साइंस क्या क्या हुआ साइंस में, उसके बाद जो हमारा फिजिक्स कैसे बना साइंस का पार्ट, उसके बाद फिजिक्स में देखेंगे हम लोग फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स के जनक कौन है, और फिजिक्स कितने पार्ट होते हैं, मतलब पूरा डिटेल्स हम लोग जीरो से लेवल से चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 1 में चलते हैं। जैसे हमारा विज्ञान होता है, जो हमारा विज्ञान ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो हमारा विज्ञान होता है ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, ठीक है ना। यानी जो विज्ञान हमारा हिंदी में हम लोग लिखते हैं विज्ञान, तो एक संस्कृत भाषा है, यानी संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसे जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं साइंस, ये लैटिन भाषा का जो हमारा एक वर्ड होता है सिंटिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ठीक है, नॉलेज या फिर टू नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि ये हमारा तो हो गया, ठीक है ना, यानी कि लैटिन भाषा के हमारा जो हमारा सिंटिया होता है उससे लिया गया है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग विज्ञान की प्रगति कब से कब हुई थी। अगर विज्ञान की प्राचीनता के बारे में बात करें, तो ये विज्ञान उतने ही प्राचीन है जितने की मानव सभ्यता है, ठीक है, यानी कि जब से मानव जन्म लिया है तब से कुछ ना कुछ वो खोज करता रहा है, ठीक है ना। इसकी लेकिन करता तो रहा, लेकिन उतनी ज़्यादा खोज नहीं कर पाते थे। लेकिन इसकी जो मेन प्रगति हुई है, जो डेवलप हुआ है इसका मेन, वो कब से कब हुआ, 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इसका बहुत ही जोर शोर से इसका मतलब प्रगति हुई थी साइंस की, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नए नए आविष्कार किए गए जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस विज्ञान को एक ऊँचाई तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ा है, बहुत सारे देश हमारी सहायता किए हैं। जैसे हम देखते हैं सहयोगी देश हमारे जो होते हैं, यहाँ पे सहयोगी देश कर लीजिएगा, हम यहाँ पे सहयोगी देश की बात करें, जो कि हमें मतलब विज्ञान के आविष्कार करने में, विज्ञान की प्रगति में हमारे योगदान दिए हैं। तो जैसे भारत स्वयं था, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया, और फ्रांस, जापान, पोलैंड एवं अमेरिका आदि का विशेष योगदान था। ये ऐसे देश हैं जो कि विज्ञान को
इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए अहम विशेष यानी विशेष योगदान दिए हैं, ठीक है ना। बाकी और भी देश हैं लेकिन ये विशेष योगदान दिए हैं, ठीक है। और यदि विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान को कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर हम आपको यहाँ पे बताएं तो इसमें सीधा सीधा कहा कि हमारे इस भौतिक जगत में, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा, मतलब जो भी कुछ डेली घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित क्रम से होना चाहिए और एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया होना चाहिए। तो इसको हम, इसी को विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। इसी ज्ञान को हम क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो जो हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं। अगर हमारे यहाँ वर्षा होती है या फिर अगर भूकंप आ गया या कुछ भी आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि सब ये प्राकृतिक आपदा है। हम क्या कहते हैं, ये सब प्रकृति का खेल है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम ये सब ना कह करके हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का स्वव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, प्राकृतिक घटनाएं मतलब जो प्रकृति के द्वारा होती है, नेचुरली होती है, उसको किसी के हाथ में नहीं होता कि उसको रोक सके, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि विज्ञान अपने आप में भी हम लोग देखते हैं, विज्ञान इसको अगर और अपनी भाषा में देखें तो क्या होता है इसका, ये एक प्रकार का बीता हुआ एक ज्ञान होता है, ठीक है, बीता हुआ एक ज्ञान है। कैसे है ये देखिए कि अक्सर आप लोग जानते हैं कि जो चीज बीत चुका होता है उसी के बारे में हमको पढ़ने के लिए बुक में मिलता है, क्योंकि जब वो बीतेगा नहीं तो हम बुक में कैसे पढ़ेंगे। तो जो बुक में हमें विज्ञान पढ़ाया जाता है या हम लोग पढ़ते हैं तो कभी ना कभी हो चुका होता है, लेकिन अनुमान लगाकर भी कभी कभी विज्ञान को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है ना। अनुमान भी लगा लिया जाता है कि अगले साल ये होने वाला है, अगले साल ये होने वाला है, जैसे 76 वर्ष बाद हमारा हेली धूमकेतु जरूर निकलता है, तो वो अनुमान होता है, ठीक है ना। तो वो भी काम करता है, लेकिन जो ज्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं तो बीता हुआ एक ज्ञान होता है एक प्रकार का, या फिर इसको हम कह सकते हैं विज्ञान हम विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विस्तृत ज्ञान इतना काफी नहीं होता, ना बीता हुआ ज्ञान इतना पर्याप्त इनफ नहीं है। इनफ हमारा ये हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं का स्वव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक घटना होती है, जैसे ये हमारा क्या है कि दिन रात होना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है। सूर्य निकलना, चांद निकलना, तारे निकलना, बादल का फटना, वर्षा होना, तूफान आना, पेड़ों का उगना, ये सब क्या है आपका, सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, सब कुछ प्राकृतिक घटनाएं, तो इन सब हम विज्ञान कहेंगे, ठीक है। अब हम विज्ञान के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जैसा आप लोग ऊपर देख सकते हैं, विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हमने इसको पहले से बताया, और इसका अर्थ होता है, जिसका इसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हम इंग्लिश में साइंस लिखते हैं तो उसका मतलब होता है लैटिन भाषा का, यह एक लैटिन भाषा का एक ये शब्द है, जिसका ये कौन सा वर्ड से लिया गया, आपका सिंटिया, सिंटिया वर्ड से लिया गया है, ठीक है। सिंटिया से साइंस बनाया गया है, ठीक है, जिसका सिंटिया का अर्थ होता था ज्ञान या जानना, इसीलिए साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यही चीज हमारा है। तो हम प्राकृतिक घटनाओं का, यानी कि हम इसमें विज्ञान में हम प्राकृतिक, समस्त प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं, अब देखते हैं कि विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या क्या होती हैं, जिसमें से हमारा एक फिजिक्स निकल करके आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारा विज्ञान है इसको यहाँ पे 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। और भी बहुत सारे विज्ञान के हमारी शाखाएं होती हैं, लेकिन हमने यहाँ केवल 2 ब्रांच हमने लिया है। मेन हमारी 2 ब्रांच ही होती है, बाकी तो और भी इसके अलावा भी बहुत होती है, लेकिन हम इसको अध्ययन की सुविधा से सरल कर लिए हैं, ठीक है। जैसे हमने अगर विज्ञान को 2 टाइप्स में बांटा, हमने एक हमारा हो गया टोटल प्राकृतिक विज्ञान, एक हो गया हमारा भौतिकी विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, और एक हो गया हमारा नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस में यानी हमारा 2 टाइप्स होता है, एक पहला हो गया वनस्पति विज्ञान, दूसरा हो गया जंतु विज्ञान, ठीक है। तो यानी इसमें पूरे पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये जंतु विज्ञान में हमने पूरे जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पूरा डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसको हम बॉटनी कहते हैं, इसको हम जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल से हमारा एक फिजिक्स निकल कर आया, जिसमें हम भौतिकी कहते हैं उसको, और इसमें हम लोग पूरा किसके बारे में बात करते हैं, जो हमारी ज्यादातर फिजिकल चीजों से रिलेटेड होती है, आसपास के वातावरण से रिलेटेड होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें द्रव के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। रसायन हमारा एक केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग पूरे एलिमेंट्स वगैरह, इसमें ऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, बहुत सारे इसमें चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी, यहां से हमारा फिजिक्स आ गया, ये हमारा फिजिक्स है।
जो कि हम लोग का मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको उठाएंगे यहाँ से। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान हमारा टू टाइप्स का हो गया, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में हमारा भौतिकी और रसायन आता है, तो यहाँ से हम भौतिकी यहाँ से पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिकी है ना कि प्राकृतिक है। प्राकृतिक में वनस्पति और जीव जंतु, क्योंकि जीव जंतु हमारे नेचुरली आ जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जन्म लेते हैं, मृत होते हैं। वनस्पति भी हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर उगते हैं, होते रहते हैं, तो ये हमारे नेचुरल की चीज है। लेकिन ये हमारा क्या है, ऐसा नहीं है, इनको हमको फिजिकल साइंस है ये, कि इसको करना पड़ता है तभी होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब भौतिकी के बारे में फुल डिटेल अब फिजिक्स यहाँ से उठाएंगे और फिजिक्स का इतिहास अब यहाँ से चालू होगा। अभी हमने क्या देखा कि फिजिक्स कहाँ से आया, साइंस से आया। तो साइंस कहाँ से आया, साइंस का कब से है, वो कब से मतलब साइंस का इसका मतलब साइंस कब से चल रही है, साइंस का इतिहास क्या है, हमने अभी सब कुछ देख लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फिजिक्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, फिजिक्स का डिफिनेशन देखते हैं, फिजिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा जो फिजिक्स शब्द है, तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोला जाता है और हिंदी में इसको भौतिकी बोला जाता है। तो इसको हम देखेंगे, ग्रीक भाषा का एक हमारा वर्ड था, ये हमारा फ्यूसिस, फ्यूसिस से हमारा बना था फिजिक्स। फिजिक्स से रियल में हमारा इंग्लिश शब्द है, लेकिन ग्रीक भाषा जो हमारा था फ्यूसिस, फ्यूसिस से बना था फिजिक्स। फ्यूसिस का अर्थ होता था प्रकृति, ठीक है, और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी, ठीक है ना। तो जो हमारी प्रकृति के बारे में था रिलेटेड, इसीलिए इसको फ्यूसिस शब्द से हमारा क्या बना था, फिजिक्स बना था। लेकिन यह है एक इंग्लिश शब्द। और अगर हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी हमारा एक होता है संस्कृत भाषा होता है, ठीक है, क्या होता है, एक संस्कृत भाषा से लिया गया है ये, आपको आई होप की समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ग्रीक भाषा का फ्यूसिस जो था उसका अर्थ होता था प्रकृति, इसीलिए इससे क्या लिया गया, फिजिक्स लिया गया, ठीक है। और ये हमारा इंग्लिश शब्द है। हिंदी में देखें, अगर भौतिकी को हम हिंदी में लिखते हैं तो ये संस्कृत भाषा का ही एक शब्द होता है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा को आप इस तरह को समझ सकते हैं, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा हो या फिर उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन हो, हम इसमें करते हैं, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा है कि इसमें क्या क्या शामिल है, आपका ध्यान देने वाली बात है, द्रव्य आपका होना चाहिए यहाँ पे, यानी हम इसमें द्रव्य के बारे में बात करें, यानी कि इसको जो मैटर कहते हैं, और हम यहाँ पे ऊर्जा की बात करेंगे जिसको हम एनर्जी कहते हैं, यहाँ पे हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन दोनों के जो आपस में परस्पर क्रियाएं होंगी, परस्पर जो क्रिया होगी उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करते हैं, किसमें, फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अध्ययन करते हैं, और अगर इसको हम देखें तो इसका कहने का मतलब यह है कि भौतिकी के अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारा विज्ञान जो होता है प्रकृति से रिलेटेड होता है, हम यहाँ पे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, ठीक है ना, का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल डिटेल में करते हैं। तथा इसमें हम प्राकृतिक घटना जो होती है, हमारी प्राकृतिक घटना, उनको क्या करते हैं, उनको कुछ परिकल्पनाओं, परिकल्पनाओं मतलब कुछ आकलन लगा करके, परिकल्पना करके, इमेजिन कर करके हम उसको, और सिद्धांतों के द्वारा, सिद्धांत हमारे होते हैं और नियमों के द्वारा, यहाँ पे सिद्धांत और नियम में बहुत अंतर होता है, आपको हम आगे चल करके बताएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है कि परिकल्पनाओं, सिद्धांतों एवं नियमों के द्वारा हम समझते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, तो हाँ यहाँ पे प्रकृति जो हमारी डेली मोशन में घटती है वो हमारी होती है, और प्राकृतिक घटना जितनी भी हमारी होंगी, ठीक है, प्रकृति में बहुत बड़ा विस्तृत ज्ञान है प्रकृति हमारा एक तरह का, और इसमें हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं जो केवल हमारी आपदा होती है उनके बारे में भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। लेकिन इनको अध्ययन करने के लिए हमको क्या होता है, एक परिकल्पना की जरूरत होती है, हम परिकल्पनाओं के द्वारा हम पढ़ेंगे, और सिद्धांत होते हैं इसमें, सिद्धांतों के द्वारा पढ़ेंगे, और हमारे जो नियम होते हैं कुछ नियम के द्वारा हम इसको समझेंगे और यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं के जरिए आपको पढ़ाया, जब भी कहा जाएगा तो ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये परिभाषा है, बस यही चीज यहाँ पे चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि द्रव और ऊर्जा मेन होता है, इसी का आपस में परस्पर हम क्रियाओं का अध्ययन यहाँ पे करेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स हमारा एक इंग्लिश शब्द है, फिजिक्स हमारा ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द जिसका अर्थ होता है प्रकृति, उससे बनाया गया है, और हमारा भौतिकी जो होता है एक संस्कृत भाषा का है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं फिजिक्स की, कितनी शाखाएं होती है, फिजिक्स में कितने पार्ट होते हैं, यानी कि फिजिक्स में हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार से फिजिक्स को हम 8 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना, जिसको हमारे यहाँ पे 11th और 12th में उसको डिवाइड करके पढ़ाया गया है बेसिक में, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं।
अध्ययन की सुविधा से इसको हम लोगों ने 8 भाग में विभाजित कर लिया, जिससे कि हमको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले पार्ट में देखेंगे कि यांत्रिकी होता है, जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक होता है, और हमारा तथा पदार्थ के सामान्य गुण, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे पदार्थों के सामान्य गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यांत्रिकी भी इसी में सम्मिलित है, मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड में आता है इसका भाग जो फिजिक्स का होता है, वो ध्वनि होता है, यानी साउंड के बारे में हमको जानने को मिलता है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है हमारा फिजिक्स का, वो होता है ऊष्मा यानी हीट, तथा ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इसके हम बारे में हम लोग देखेंगे। प्रकाश हमारा होता है, प्रकाश हमारा फोर्थ यूनिट इसके आता है भाग में, पार्ट में आता है। फिफ्थ पार्ट में हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी तथा विद्युत गतिकी होता है हमारा, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद चुंबकत्व है हमारा, मैग्नेटिज्म जो होता है हमारा, वो भी फिजिक्स का ही एक पार्ट होता है। अब फिर हमारा है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स जो होता है हमारा, ये भी हमारा एक प्रकार का फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, जो कि 7th नंबर पे है। उसके बाद हमारा 8वां पार्ट है इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, इसके बारे में जितने भी हमारे ये सब चीजें बल्ब वगैरह होती हैं, फैंस, ये सब हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा होता है फिजिक्स का पार्ट होते हैं, 8 होते हैं। इन्हीं के बारे में मुख्य यही 8 भाग होते हैं, इन्हीं को हम कुछ 11th में पढ़ेंगे, कुछ इन्हीं को हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं ग्रेजुएशन में, यूजी पीजी में देखते हैं, तो इन्हीं को और एडवांस लेवल में लेके जाता है, बाकी यूनिट इतने ही होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग पूरी जिंदगी फिजिक्स में पढ़ते हैं, सिर्फ इसका लेवल बढ़ता जाता है और डिटेल पढ़ते जाते हैं, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं जैसे हम लोग भौतिकी के पिता यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं। ठीक है ना, आधुनिक भौतिकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। लेकिन अगर केवल पूछा जाए भौतिकी के जन्मदाता कौन है, तो हमारे आइजैक न्यूटन है। इतना आपको ये पता चल गया है। ठीक है, बिल्कुल इतना आपका क्लियर है, ये आपके यहाँ से जो 2 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जब भी कभी आधुनिक भौतिकी पूछा जाएगा, जब पिता बोला जाएगा, जन्मदाता बोला जाएगा, तब आपको अल्बर्ट आइंस्टीन बोलना है, नहीं तो आपको क्या बोलना है कि ये आपके भौतिकी के पिता केवल बोला गया है, तो आइजैक न्यूटन हमारे जो वैज्ञानिक थे उनको माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में इतना कुछ आज जाना। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी, क्लास 11th वालों के लिए भी और कॉम्पिटेटिव लेवल के वालों के लिए, और 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये फिजिक्स का पार्ट, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फिजिक्स के, यानी बेसिक आपको जानना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको बता दें अभी कल नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, बिल्कुल आप डेली बने रहिए, आपको पार्ट बाई पार्ट और डिटेल्स में आपको समझाएगा। बिल्कुल बेसिक्स हमने इसलिए उठाया है, बिल्कुल आपका जो चैप्टर 1 है बिल्कुल बेसिक ही है, तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं, आपको पूरा कराया जाएगा और आपको एक तरफ से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप वहां पे कमेंट, वहां पे आप कमेंट करेंगे तो आपको वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ, तो वहां से आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, आराम से वहां पे आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बेहतर यही होगा कि आप इसको लिख करके करें, क्या इसको लिख करके अगर आप पढ़ते हैं, लिखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, तो आपको ज़्यादा याद होगा, क्योंकि पीडीएफ में कौन पढ़ता है उसको रखा रह जाता है, सही है ना। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल जोरों शोरों से करना, तभी आपको फिजिक्स का जो डर है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।